वेलकम बैक। तो आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग मैनेजमेंट और क्लाउड मैनेजमेंट टास्क देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट देखते हैं क्या होता है कि ये क्लाउड का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो भी जो प्रोवाइडर होता है कि उसको जो सारे रिसोर्सेज वो प्रोवाइड कर रहा है और उसका वो परफॉर्मेंस को चेक करना ज़रूरी होता है, ठीक है, मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो और रिसोर्सेज मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का जो भी फैक्टर्स है जैसे लोड बैलेंसिंग होगा वो हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस, फिर स्टोरेज, बैकअप्स, कैपेसिटी डिप्लॉयमेंट, ये सब हमारे क्लाउड रिसोर्सेज में आ जाते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू एक्सेस फुल फंक्शनैलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द क्लाउड। अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है तभी आप सारा फीचर्स को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, फुल इफेक्ट ले पाएंगे। ओके, अब देखेंगे क्लाउड मैनेजमेंट टास्क। तो क्लाउड मैनेजमेंट टास्क में बहुत सारे टास्क होते हैं जैसे ऑडिट सिस्टम बैकअप। सबसे पहला होता है क्या होता है कि हम लोग को रिक्वायर्ड होता है कि हम लोग बैकअप टाइमली टू टाइमली करते रहे और इंश्योर करें कि रिस्टोरिंग ऑफ रैंडमली सेलेक्टेड फाइल्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स, बैकअप्स कैन बी परफॉर्म इन फॉलोइंग। मतलब क्या होता है कि बैकअप करना ज़रूरी होता है विद टाइम, कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड वे में फेलियर हो सकता है तो बैकअप होना होते रहता है बैकग्राउंड में, तो अच्छा रहता है। तो बैकअप दो तरीके से होता है, बैकअप फाइल्स बाय द कंपनी, कंपनी के साइड से वो हम लोग को पता नहीं रहता है पर वो अपने आप बैकअप करते रहता है, ठीक है। और बैकअप बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, तो ये प्रोवाइडर आपका करते रहता है, जैसे आप किसी के अंदर काम कर रहे हैं तो वो आपका एक बैकअप कर दे रहा है और जो सपोर्ट जो कंपनी जो बाहर जिसे आप लोग खरीद रहे क्लाउड वो भी आपके लिए बैकअप कर देता है, ठीक है। दो तरीके से बैकअप होते हैं। नेक्स्ट टास्क है कि डेटा फ्लो ऑफ द सिस्टम। तो द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप अ डायग्राम डिस्क्राइबिंग द डिटेल प्रोसेस ऑफ फ्लो। मतलब क्या होता है कि एक जब भी कोई बनता है क्लाउड में तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप समझाएं कि कहाँ से डेटा कहाँ फ्लो हो रहा है, कौन किसको ले रहा है, कौन किसको रिसीव कर रहा है, सेंड करना है, सब चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है डायग्राम वाइज। द प्रोसेस फ्लो डिस्क्राइब्स द मूवमेंट ऑफ डेटा। देखिए डेटा मूवमेंट बताता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द क्लाउड सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटा फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है वेंडर लॉक इन अवेयरनेस एंड सॉल्यूशंस। तो जो भी जो मैनेजर लोग को वो लोग को पता होना चाहिए कि प्रोसीडर टू एग्जिट फ्रॉम सर्विस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर, मतलब जब भी कोई सर्विस को अब खत्म करना है तो एग्जिट करने का तरीका पता होना चाहिए। द प्रोसीडर्स मस्ट बी डिफाइंड टू एनेबल क्लाउड मैनेजर टू एक्सपोर्ट डेटा ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिस्टम टू अनदर क्लाउड प्रोवाइडर। सपोज कर लीजिए आप कोई सिस्टम कोई क्लाउड एक क्लाउड से डेटा यूज कर लिए, अब आपको पसंद नहीं तो आप क्या करेंगे, अब वो जितना भी डेटा उस क्लाउड में था वो इस क्लाउड से अब जो नया क्लाउड आप यूज़ करो उसमें एक्सपोर्ट करेंगे। तो जो भी वेंडर होता है उसको ये होना चाहिए कि अवेयरनेस होना चाहिए कि वो सही तरीका से आपका डेटा को ट्रांसपोर्ट कर पाए। ओके, नेक्स्ट टास्क होता है कि नोइंग प्रोवाइडर सिक्योरिटी प्रोसीडियर। तो कि हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हम लोग जिसे प्रोवाइडर उसके पास क्या क्या सिक्योरिटी का प्रोसीडियर होना चाहिए, मतलब अगर कभी कुछ गलती हो गया तो क्या क्या हम लोग हेल्प कर सकता है उसको सिक्योरिटी। मल्टी टेनेंट यूज मतलब मल्टीपल यूज होना चाहिए, ई कॉमर्स प्रोसेसिंग डी प्रोसेसिंग, एम्प्लॉय स्क्रीनिंग मतलब एम्प्लॉय का जो जो क्या करा है ट्रैकिंग एनालिसिस होना चाहिए, और एनक्रिप्शन होना चाहिए आपका डेटा सही तरीके से सेव या साइफर डिसाइफर जो भी होता है वो सही होना चाहिए। और ये सारा पॉलिसी हम लोग को क्लियरली ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हम लोग को समझ में आए और पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटरिंग कैपेसिटी प्लानिंग एंड स्केलिंग कैपेबिलिटीज। तो क्या होता है कि मैनेजर को पता होना चाहिए कि the capacity planning in whether to ensure the cloud provider is meeting the future requirement for the business or not. Suppose कर लीजिए cloud में suppose कर लिए 200 जान अभी काम कर रहा है पर in future हम लोग को पता है कि 200 से 1000 हो सकता है, तो cloud manager लोग को prepared रहना चाहिए कि capacity या उसको बढ़ाने का power रहना चाहिए। ओके, उन लोग को future planning करके रखना चाहिए। और scalability क्या होता है, manager must meet the scaling capability in order to ensure services can be scaled up or down. सपोज कर लीजिए कुछ सर्विसेज ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रही है तो उसको ज़्यादा अवेलेबल कराना भी होना चाहिए, वो भी मैनेजर के पास पावर होना चाहिए। उसी तरह कुछ सर्विसेज ज़्यादा है तो उसको कम करके सही तरीका से यूज़ करना। नेक्स्ट टास्क है मॉनिटर ऑडिट लॉग यूज़। इन ऑर्डर टू एंश्योर आइडेंटिफाई एरर सिस्टम मैनेजर मस्ट ऑडिट द लॉग्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। क्या होता है कि लॉग या उस कोई फाइल में स्टोर करना ज़रूरी होता है कि क्या क्या सिस्टम्स में हो रहा है, अगर एरर्स भी हो रहा है तो उसको भी सेव करना ज़रूरी है कि ठीक है आज ये एरर हुआ है तो इसको आज सेव करें फिर इसको बाद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग होना चाहिए ऑडिट लॉग यूज़ का क्या क्या हुआ है।
और फिर लास्ट टास्क होता है कि सोल्यूशन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन. When the cloud provider offers solution, it is essential to test it in order to ensure that it gives the correct result and it is error free. तो जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं क्लाउड का, तो जो भी मैनेजर होता है उनको पहले इंश्योर करना होता है कि वो सारे टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं, इनमें कोई बग्स ना हो, कोई एरर फ्री, पूरा एरर फ्री रहे आपका ऐप या सोल्यूशन. तो दिस इज नेसेसरी फॉर अ सिस्टम टू बी रोबस्ट एंड रिलायबल. रिलायबल होगा तभी, मतलब एरर फ्री होगा तभी आदमी रिलाई कर पाएगा कि इसको ज़्यादा यूज होगा. तो सोल्यूशन ऐसा हो कि उसमें कोई बग्स या कोई एरर्स ना हो. तो ये सारे थे टास्क ऑफ क्लाउड मैनेजमेंट सिस्टम. अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.